हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक जी अब्दुर्रहमान साहब। सर मैं चाहता हूँ आज हम डिस्कस करें सियालकोट वाला केस। सियालकोट वाला वो जो ख्वाजा सराओं वाला? जी एग्जैक्टली। अच्छा मुझे खुशी इस बात की कि ये वीडियो बनी ताकि आइडेंटिफाई हुआ, वरना वो पकड़ा ही नहीं जाता वो मनहूस जज्जा, क्या नाम है उसका? एजाज सर। अच्छा बनवाई उसने किसी और मकसद के लिए थी, ब्लैकमेल करने के लिए? जी एग्जैक्टली। लेकिन अब वही उसके खिलाफ एग्जिबिट ए बन गई है। लेकिन सर गुजारिश है वे साड़ी गलत करो ना। वाह 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 वाह, आप आज बड़े दिन बाद कहां से तशरीफ लाए? सर एक्चुअली प्रमोशन वास्ते गया सर, साले एक हफ्ते वास्ते। साला एक हफ्ते वास्ते एफटाबाद शिफ्ट हो गया। अच्छा जनाब आप पर जुल्म हुआ है? हाँ जी सर, तो जुल्म हुआ है। अच्छा और ये कौन है? सर ये ना गुरु है, कंप्लेनेंट ए। अच्छा जी आप बड़ी रीजनेबल लग रही हैं, क्या नाम क्या है आपका? हनीफ जी। हनीफ पुत्र तिल नहीं पूछ रहे, तू टीरा है खुजरा नहीं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये जो आप बैठे भाई साहब आप इधर देखे मैं इधर। अच्छा इतने तीन चार लोग ने डिसाइड कर लो खुजरे केड़े। अच्छा जी वो जिसे मार पड़ी बेचारे को शनैल जिसका नाम है वो किधर है? वो अस्पताल है। मैं लेडी कांस्टेबल से पूछना चाह रहा हूँ हॉस्पिटल में क्या कंडीशन है उसकी। सर मुझे कुछ नहीं पता, उसका मेडिकल लीगल हो रहा है। ए, लेडीज कांस्टेबल है। ये मैंने मुबारकबाद नहीं देती। किस बात की? ऐसे बात एक और वैरायटी ले आए थाने। सारे बड़ा जालम का बच्चा तुझे यकीन जानो। आराम में गल कर रहा मेरे नाल मत। तमीज ना नहीं मैंने दसा। सारे खुसरे तो जुल्म कर रहे हैं, पागल ना बच्चा ना होता। बेशर्म, मेरी तो नजर नहीं पड़ी इसके ऊपर कि ये वो जज्जा। तुझे सर गुजारिश है कि इस बंदे का कोई कसूर नहीं। किसका कसूर है? जून दे विच वीडियो बनी। अच्छा जी होने वायरल क्यों हुई? नहीं वाकई क्या वजह क्या है ये जून में बनी थी? ये दो पार्टी आपस में क्लैश है। ठीक है उस पार्टी ने एक जज्जे नु फसाण वास्ते इस गल नु वायरल किया है। लेकिन जज्जे ने ही बनाई थी वीडियो, हमारा भी जज्जे नहीं था, इससे तुम इनकार करते हो? ये तो मैं डिनाई नहीं कर रहा। बस फिर और कोई दलील चाहिए नहीं। जो भी है जुल्म हुआ खुसरे। नहीं ये बड़ी खुशायंद बात है कि इन्होंने ललकार के कहा कि शहबाज शरीफ तुम्हारा इंसाफ किधर है? और ये जो खास तौर पर जूली है तुम्हारा नाम? जूली ना है मेरा। ये पुकार के कहने शहबाज शरीफ तेरा इंसाफ कितने है? वो तो गरीब आप लगते फिर दे। और मियां साहब ने इन्हों की वीडियो 8-9 बारी वेखी है। यकीन जानो मैं इन्हों खुसरे के घर अधा घंटा रोंदा रहा। क्यों? ऐसा चवल आदमी बजाय खुसरे के जजे के घर जा बड़िया। सर तुसी यकीन जानो मैं खुसरे के घर इन्ना रोया। यार क्यों रो? खुसरे ने युगता बनिया की थी। असल गल मैं दस दो, मैं तेन कही जा रहा जज जाओ सामने खड़ा। असल गल सारी वीडियो ने उठवा दे तुम। ऐसे गल कर खाना को तेरी फूफी का घर नहीं। सर यकीन जानो मैं खुसरे के घर इना रोया। बहुत रोया खुसरे के घर। मैं जो गया ना ए साइड दी पिजी पई सी। सर जुल्म है कि नहीं दसो? नहीं जुल्म है, बहुत ज्यादा जुल्म है। और ये जो जज है जिसने मारा है जिसने ये जुल्म किया है इसे कम से कम 3 साल सजा होगी, याद रखना। तो की है 3 साल सजा ही है ना, तो तीजे दिन जमानत हो जानी। सर इहदी आकड़ वेखो। तू अपनी अख वेख। तमीज गल सिर्फ इन मैं ही मारदा बस। अच्छा जनाब आपको इंसाफ मिलेगा और ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन आपको भी अपने लक्षण ठीक करने पड़ेंगे। ये जो आप इन गैंग्स का हिस्सा बन जाते हैं ना, आपको इसकी सजा मिली है। सर ये रोज पर रोज का केस है, कोई आजकल की बात नहीं है। मैं उस थाने दे ने सिर्फ इसकी आवाज की वजह ना लिया, बड़ी मधुर आवाज थी ये। मधुर मधुर नहीं, बड़ी मधुरी आवाज है। अच्छा तो छापा मारे मेरे नाल सन, वो ही समझ रहे कि दो बंदे ने। अच्छा जी पहले कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? सर मैं थाना रेस कोर्स में थी। एदी आवाज सुन के घोड़े दौड़ गए। सुनो सर दो लेडी अलकार ने मैं उठ लिया रिक्वेस्ट थे, एक है ते एक कांस्टेबल नशीन। अच्छा जी वो कांस्टेबल नशीन किधर है? सर ओदे नाल जेड़ा मेडिकल लीगल नहीं हो रहा खुसरे दा। सर शर्म नहीं आती तू ख्वाजा सरा को? सर यकीन जानो मैं खुसरे दे घर इन्ना रोया। क्यों रोंदा रे इन्हें घर जाके खुसरे नु वेख के को अब्बा याद आया तेनू? सर मैं गुजारिश करा इन्हें दे तुसी कदी फंक्शन अटेंड नहीं किते, अब तो तुसी किते होने है। मेरा जानता है इन्हें फंक्शन तुसी जाओ ना लख रुपया ए सुट देन एंड।
एक दूसरे दे उतो। अच्छा भी कौन फेंकता तुम लोगों पे इतने पैसे? सर एडमायरर्स बहुत है। वाह ये तो फंक्शन जी पले भी भेज दे। खुसरे तो सहजदार ने खोल के फिट भी कर लेना है। वैसे जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ इन पे। नहीं बड़ी देर हो गई, तू खुसरे ने घर जाकर रोया नहीं। मैं तो कहने गोली मार देनी चाहिए। राम नाल राम नाल गोली मारनी कोई सौखी नहीं हैगी। बेल्टा खाएगा मेरे को टीरे आ। गल कर मैं तो खुसरा नहीं हैगा। इन्हें मार मार के बूटे नु खुसरा कर देना। मैं तो हैरान हो गई हूँ यहाँ पे आके। बड़ा अजीब सा थाना है, बड़े अजीब अजीब कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। किड़ा अजीब कैरेक्टर थे? ये देख ले सर, ये नॉर्मल लगता है आपको? तू बड़ी नॉर्मल है, जिम बत्तख बुखार होया होंदा। ओए मेरे से बदतमीजी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टीरे हो गए तो अपने घर में हो गए। अच्छा वो गाला कटंडी हो करी है। गल सुन काकी, मैंने तमीज ना गल करी, मैं बड़ा छोटा। ओए इधर आ बताओ मैं तुम्हें। क्या की दसेंगी? अच्छा टीरा भी है तो डरदा भी। तमीज ना गल कर मेरे नाल। ओए उन्हें ना मारी इतने खलारा पै जाने। सर यकीन जानो खुसरे ने घर जाके मैं इन्ना रोया। इधर आए। नहीं सर मैं नहीं आना, उठे खलोती है। मैं तुसी कर जाओ, जो तू तड़ी जरूरत होगी मैं तेरे बुला लांगा। जाओ मेरा वीर, जाओ जाओ सब जाओ, क्योंकि नीम ने तड़का रहा कि रोना भी है। सर जज्जे के साथ एक काम बहुत ठीक हुआ। क्या? वीडियो देखने के बाद इसकी दोनों बीवियां इसको छोड़ चुकी हैं। और तू चुगलखोरी ना करे, तेनू चैन नहीं आता भाई। और तुम हरामखोरी ना करो, तुम्हें चैन नहीं आता भाई। हुण सुना भाई। सर उन्होंने तो घर ही उजड़ गया है। ये किसे किसे बता रहे हो? लाइट मैन को बता रहे हो? अनिल दे सारे क्लाइंट दरख्तों से रहते हैं। आफ्ताब साहब मैं तो इससे बहुत हैरान हूँ। किस पे? कि एसपी साहब की टीवी पे नजर क्यों नहीं पड़ी? मैंने तुम्हें ना गल कर मैं तेन दस दिया। मैं बताऊ तुम्हें फिर? क्या बताओ? तेन में की क्या है? कोई ना कोई बंदा मेरे लिए लाए ही आंदे ने। अब प्लीज ये स्टिक मुझे दे दे। ये यहाँ ये उदम ना मचाए थाने में प्लीज। जिड़ी अच्छी तड़ी आवाज है, तुझे रोजे जगाया करो। अच्छा तड़ी और मेरी आवाज थोड़ी मिलती जुलती है, चल पींदे हो? सर साड़ी पुलिस वैन दी ड्राइवर भी है। अच्छा। और गड्डी नु हारन तो नहीं लगा? क्यों? कोई अगे आ जाए तो मुंह बाहर कड़ के कहते बंदा दरख्त चढ़ जाता। वो कहता पता नहीं टार्जन ने हमला कर दिया। अफसर साहब मैं इस थाने को तंग हूं, कितनी और मेरी पोस्टिंग हो सकती? तुम कहाँ जाओगे, किस थाने में समाओगे? एड्डा खुला थाना है ही कोई नहीं। सर वैसे थाने का माहौल इस एसएचओ की वजह से खराब है, अगर ये चाहे तो डिसिप्लिन ठीक हो सकता है। उसकी वजह कि करप्ट है, सिर्फ मोटा ही नहीं है करप्ट भी है। लो जी आई हैं बीमारियां। आवाज ना होया किसी तड़ी, तुझे गरम गरम आलू खा बैठे हो। अच्छा पुलिस में बाय चॉइस आई हैं? नहीं सर असल में ना मैं सिंगर बनना चाहती थी। वैसे मैं आपके हुस्न तलब पे बहुत हैरान हूँ, क्या आप सिंगिंग करेंगे? सर की हो गया, आतिफ असलम गा सकता है? नहीं गा सकती। मैं ये लजीडी अजी आवाज है, तो गाना ही सुनाओ। चलो सुना दे प्लीज कोई नहीं। ठीक है सर। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। हाँ आदम असलम ही है, बोरी थले आया। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। सारे नु चुप कराओ, लोग समझ रहे हैं मुलजम तो तशद्दुद कर रहे हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। उसी ये गाओ, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो जान निकल जाए। बुढ़ापे तो चार चावा फड़ जा रहा है, थकावट होगी। ठीक ही हाल है सच साहब ताडे? अल्लाह का शुक्र है मैडम, तुम दस नहीं आए तो बगैर दसे चुप करके आ गए हो। ये हैं कौन? कौन है ये? सर ये इस इलाके की बड़ी नामी ग्रामी पॉलिटिकल वर्कर है। अच्छा आफ्ताब साहब आप कैसे हैं? आप हमारी पार्टी की जान क्यों नहीं छोड़ते? मैंने आपकी पार्टी को क्या कहा? अच्छा पीएमएलएन की हैं ये? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी का मतलब दी गल कर, मैं इतने खड़ा खड़ा बांदर बन गए हैं। ओ पुत्र तेरे वास्ते ही आया, तेनु लेके जाना है सेठो। जनाब का तरफ एसएचओ साहब, मैं इनका एडवोकेट हूँ और मेरा नाम हामिद खान है। ए वो हामिद खान ही है ना? ए बोलो ना ले। हामिद खान जेड़ा भी होएगा ना, वो बोलो ना ला नहीं होएगा। अच्छा सर गुजारिश ये है जिसके लिए हम हाजिर हुए कि हमारे मुवक्किल पर तशद्दुद हुआ है। सर साढ़े हाथ टूट जाने जैसी है, हाथ लाया हुए
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਬ ਪਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਲਤਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਭੰਗ ਵਾਲਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੀਸ ਨੀ ਲਈ, ਖੌਫ ਨਾ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬੈਲਟੋਂ ਸੇ ਮਾਰਤਾ ਰਹਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਵੈਸ਼ੀ ਔਰ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਭੀ ਜ਼ਰਾ ਅਦਾਲਤ ਮੇਂ ਕੇਸ ਜਾ ਲੈਣੇ ਦੋ। ਓਏ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾਲ ਵੇਚਦੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਕੀਲ ਸੌਂਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਰ ਗਿਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਖਤ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬੁੱਢੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲਿਆ ਨੀ? ਉਹ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਕਿਉਂ ਨੀ ਦਿੰਦਾ? ਹੈਂ ਪਾਗਲ, ਚਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ? ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਣਾ ਲੈ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਜ਼ਿਮਨੀਆ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਮਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਮੇਂ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਸਰ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕਵਾਨ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਇਹ ਬਾਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਚੁਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬੂਟੇ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। شو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اجازت دیجئے، اللہ حافظ و ناصر۔